गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चंस कर लिए, चलो ठीक है, आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन का पहले तो मीनिंग समझते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है। फर्स्ट राइट डाउन सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सिंबल। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो सिंबल है ये s रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी s को लंबाई में ऐसे बढ़ा दें, सो दैट इज s, s स्टैंड्स फॉर सम। इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, इनफाइनाइट सीरीज का समेशन है। यानी इंटीग्रेशन के दो मीनिंग को हम समझेंगे, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा हमने कल किया था, सपोज कर लो कोई फंक्शन है वाई ऑफ एक्स, y is function of x. अब suppose the graph is like this. Integration का meaning क्या है, यहां पे y axis पे y, this is x, मान लो हम y को x के respect में integrate कर रहे हैं, यानी इसका area find out कर रहे हैं। तो regular shape होता तो formula है area find out करने के लिए, लेकिन ये कोई regular shape तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल इंटरवल x का लेते हैं। दिस इंटरवल इज सो स्मॉल dx, इसका विड्थ इतना स्मॉल है कि इसको हम एक रेक्टेंगुलर शेप मान सकते हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप, और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, सपोज करो यहां पे y का वैल्यू y 1 है, तो इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हुआ y 1 dx। dx यानी ये विड्थ बहुत ही स्मॉल है। अब ऐसे ही आगे का स्ट्रिप ले लें, dx उतना ही है, लेकिन y का वैल्यू चेंज करके y2 हो गया प्लस y2 dx। देन फर्दर आगे एक स्ट्रिप ले लें प्लस y3 dx प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे ग्राफ को स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक स्ट्रिप का विड्थ क्या है भाई, dx। हर एक स्ट्रिप का विड्थ क्या है, dx। हाँ, लेंथ चेंज कर रहा है y1 y2 y3 y4, फिर इस पूरे एरिया को हम फाइंड आउट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, इसी ग्राफ का एरिया हो जाएगा, तो इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसमें हम देखें तो dx क्या हो गया, कॉमन हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी dx।
यानी डी एक्स इतना स्मॉल है कि थियोरेटिकली हम यहां से लेकर यहां तक कितने स्ट्रिप में डिवाइड कर सकते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में। तो डी एक्स सब में कॉमन हो गया क्योंकि इक्वल है, विड्थ इक्वल है, वाई वन वाई टू वाई थ्री का वैल्यू हर जगह अलग अलग होगा। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ वाई, ये जो सम है इसी को हम इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है भाई? उस ग्राफ का एरिया है, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, वो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा उस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं। तो यहां मेन हमको समझना कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज एरिया ऑफ ग्राफ। जैसे डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? द डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ ग्राफ। इंटीग्रेशन इज, इट इज एरिया ऑफ ग्राफ। नाउ एक चीज और समझ लें, एक तो पॉइंट ये हमने समझ लिया इंटीग्रेशन क्या है, इट इज एरिया ऑफ ग्राफ। सेकेंड पॉइंट नोट कर लिया सबने, यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन है। मतलब क्या हो? जैसे एडिशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन, डिवीजन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वैसे इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या, वो आगे हम कहीं करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे और फिर वहां से हम दिखाएंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन कैसे है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का मीनिंग। अब लोग हम लोग आते हैं इनके फार्मूले पे। सो प्लीज नोट इट डाउन, सब लोग नोट कर लीजिए इत्मीनान से, फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या क्या उस पे हम आते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग है कि हम वन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, इट मींस इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका आंसर होगा एक्स। इंटीग्रेशन dx is equal to x, indefinite integration में यहां पे कोई लिमिट नहीं लगाया, तो यहां पर हम एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। जितने भी इंटीग्रेशन आप करेंगे उन सारे इंटीग्रेशन में एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और वो कंडीशनल होगा, क्वेश्चन के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। बेसिकली फिजिक्स में हम जनरली इनको यूज भी नहीं करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन आगे पहले हम इनको करा ले, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाएंगे। तो ये हमने बस इसलिए बता दिया कि मान लीजिए हमने कोई फार्मूला लिखा और वहां पे वो कांस्टेंट नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा, वो हमेशा होगा। हर एक इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ
कांस्टेंट टर्म, सपोज कर लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है के, जैसे पाई स्मॉल ई 5 माइनस 7 3 बाई 2 रूट 2, ये सारे क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो इन कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट्स इंटीग्रेशन विल बी के एक्स प्लस सी। अब हमने कहा था अभी कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब क्या है, यहां से हम देखें यहां पे हमने किसको इंटीग्रेट किया, वन को, ये आंसर है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, सो इट इज वन, सो इट इज इनवर्स फंक्शन। ऐसे यहां पे देखें के, कांस्टेंट टर्म के को हमने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन क्या है के एक्स प्लस सी। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमको एल एच एस लेफ्ट हैंड साइन मिलना चाहिए, यानी के, के को इंटीग्रेट किया है तो ये आया के एक्स प्लस सी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए के, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज वन, तो के इंटू वन के हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। थर्ड फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था भाई, पावर डिक्रीज कर रहा था एक से, इंटीग्रेशन में क्या होगा पावर एक से इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन, एक पावर इंक्रीज कर जाएगा। डिफरेंशिएशन में यहां मल्टीप्लाई हो रहा था एन से, यहां पे इसी पावर से डिवाइड होगा एन प्लस वन, सो द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। देर इज ए कंडीशन हियर, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली वेन एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगर एन माइनस वन है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये माइनस वन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। सो व्हेन एन इज माइनस वन दिस फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। बाकी उसके अलावा एन का कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रियल नंबर हो, हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं ये फार्मूला। तो फोर्थ फार्मूले पे आते हैं, अगर एक्स माइनस वन है तो अप्लाई क्या कर सकते हैं, सो लेट अस सी। एक्स टू द पावर माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स, लॉग दैट इज नेचुरल लॉग बेस ई एक्स, दिस इज द इंटीग्रेशन, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यहां पे भी आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा हमने पहले ही कहा था, अगर भूल भी जाए तो वो याद रखिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। This can also be written as ln x plus c, constant of integration. तो ln x का differentiation क्या भाई, last term हम लोगों ने पढ़ा था ln x का differentiation 1 by x, 1 by x means x to the power minus 1, तो x to the power minus 1 का integration क्या होगा ln x। ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन है। सिमिलरली फिफ्थ फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, बेसिकली जो हमने डिफरेंशिएशन में फार्मूले पढ़े थे वही फार्मूला इंटीग्रेशन का हमको पढ़ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस
कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। देन सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस सी। देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आसानी से याद हो सकते, बस दिमाग में ये रखना कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई कंफ्यूज होने की चीज नहीं है भाई। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये सिक्स फार्मूले हो गए। पहले हम लोग इस सिक्स फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अदरवाइज सारा फार्मूला लिख देंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो फर्स्ट लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस सिक्स फार्मूले, देन वी विल मूव फर्दर। सो क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ फोर विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा भाई? कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करें इसमें? पावर फार्मूला एक्स टू पावर माइनस वन ये है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? कोई नहीं इसमें। फोर क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। तो कॉन्स्टेंट टर्म देखें यहां क्या है, के। के इज कॉन्स्टेंट टर्म, यानी सेकेंड फार्मूला यूज हम करेंगे। के के प्लेस पे वहां पे क्या आ गया है? फोर। तो यहां आंसर में के प्लेस पे क्या रख देंगे? फोर। सो इट्स इंटीग्रेशन इज फोर। यहां पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रेस्पेक्ट में। तो डीएक्स के लिए एक्स आ गया, यहां पे टी आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, इन तीनों का तो एकदम डेफिनेट यही इंटीग्रेशन होगा, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस में जब हम लोग करेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे। इसके ऊपर आते ये कैसे करेंगे। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब विद रेस्पेक्ट टू टी पावर फंक्शन है, टी के पावर थ्री आ रहा है, एक्स टू द पावर एन, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इट मीन्स वी विल अप्लाई फार्मूला नंबर थ्री। फार्मूला नंबर तीन अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे भाई? एक पावर इंक्रीज कर जाएगा और उसी इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर देंगे। सो यहां पे आ गया टी टू द पावर फोर अपॉन फोर, थ्री प्लस वन फोर, एक पावर इंक्रीज कर गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टू पाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो टू इज कॉन्स्टेंट, पाई इज कॉन्स्टेंट, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू पाई विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। 2 पाई का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 2, कांस्टेंट इनटू जो भी इंटीग्रैंड है यानी dx, तो यहां पे x आ जाएगा, यहां पे d थीटा है तो क्या आ जाएगा? थीटा। सो x इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पावर फार्मूला दिस वन, ये फार्मूला आ गया। तो पावर एक इंक्रीज कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। सो
थीटा, यहाँ पे पावर है माइनस 3/4, इसमें 1 प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया 1/4, माइनस 3/4 प्लस 1, सो 1/4 अपॉन, इसी पावर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे प्लस सी, सो इट इज 4 थीटा टू द पावर 1/4 प्लस सी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए इसको, नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लिए भाई सबने? गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर x। जैसा हम लोगों ने लास्ट टर्म डिस्कस किया था, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। देन 8th, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू tan x। ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट टर्म c लगाएंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। देन 9th, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x with respect to x is equal to sec x plus c। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। देन फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cosec स्क्वायर x, सो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन याद होगा बेटा, फटाफट समझ जाओगे। देन फॉर्मूला नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x विद रिस्पेक्ट टू x इट इज माइनस cosec x प्लस c। देन फॉर्मूला नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट k एंड वेरिएबल y, दैट इज फंक्शन y, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो रूल डिफरेंशिएशन का था वही इंटीग्रेशन का है। यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, k बाहर आ गया, एंड वी विल इंटीग्रेट द वेरिएबल। तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया,
और जो भी फंक्शन है वाई उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां नहीं लगा रहे क्योंकि इंटीग्रेट नहीं हुआ है, कांस्टेंट हम बाहर आ गए, वाई को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो वाई क्या हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर माइनस एन, ये सब हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देन फॉर्मूला नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स यू प्लस वी। यू प्लस वी का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, जो डिफरेंशिएशन में काम कर रहे थे दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां पे माइनस साइन है तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, फर्दर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये फार्मूला नंबर 7 से फार्मूला नंबर 13 तक नोट कर लीजिए, फिर इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ में नोट करते रहिए, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप लिखते चलिए, तब मजा आएगा काम करने का। चलिए अब कुछ इक्वेशंस करते हैं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही ऐसे ही, अब न्यूमेरिकल्स होंगे कैसे, बेसिकली न्यूमेरिकल्स तो आएंगे नहीं, इनका एप्लीकेशन आएगा फिजिक्स में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशन लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 2t माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू टी। या फंक्शन टी का है तो टी के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² विद रिस्पेक्ट टू टी, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू टी, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब नेक्स्ट स्टेप फार्मूला नंबर 12 लगा दे, कांस्टेंट टर्म 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t² विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस यहां 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, देन माइनस कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन। तो पहले हमने कराया होगा के एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स, सो इट इज के इज 5, डी एक्स की जगह डी टी है तो यहां पे टी आ जाएगा। देन 3 टी स्क्वायर एक पावर इंक्रीज करेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब और उस बड़े हुए पावर से डिवाइड कर देंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया, प्लस 2 यहां टी का इंटीग्रेशन पावर 1 है, एक पावर बढ़ गया, टी स्क्वायर फिर इसी पावर से डिवाइड कर दिया, देन 5t। अच्छा अब हमने पूरा इंटीग्रेट कर लिया तो इसका कुछ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया होगा, इसका भी आया होगा, उसका भी आया होगा, ये सारे कांस्टेंट हुए, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट होगा उनको हम इकट्ठे लिख देंगे प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस सी। सो क्लियर है ये इंटीग्रेशन भाई, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं। ओके।
फाइव, नोट करिए फटाफट। चलो बेटा, तो फार्मूला नंबर 1 to 14 हो चुका है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जो नए 1 to 13 हुआ है, देन 14 to 21, ये नए फार्मूले जिसपे हम लोग को काम करना है। बेसिकली ये फार्मूला वही है जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन, कॉस, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्हीं का इंटीग्रेशन करना है। तो पीछे जो इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें x था, यहां पर x के जगह ए एक्स प्लस बी आ गया, तो यहां आंसर में भी ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन में, और x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड करेगा। ये चीज है, एडिशनल यही चीज है, बाकी वही सारा इंटीग्रेशन है। तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, एक्स का जो कोएफिशिएंट ए है वो डिवाइड करेगा। ऐसे जितने भी इंटीग्रेशन देखे, जैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कॉस, साइन के अंदर एक्स तो कॉस के अंदर एक्स, साइन के अंदर ए एक्स प्लस बी तो कॉस के अंदर एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड करेगा, यहां ये डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही कॉस का साइन होता है सेक स्क्वायर का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहां एक्स प्लस बी है तो यहां एक्स प्लस बी आ गया, और ए से डिवाइड करेंगे। ऐसे ये दोनों इंटीग्रेशन है, तो ये टोटल हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसी पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, बेसिक है इसमें तो कहीं कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो जैसे सिंपल एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4π t विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये इसी फॉर्म का है, ए के जगह पे आ गया 4π x, के जगह पे t है और b के प्लेस पे 0 है। तो रूल क्या है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन के अंदर 4π t तो कॉस के अंदर 4π t। अब t के साथ कोएफिशिएंट क्या, 4π, तो ये 4π डिवाइड करेगा। जैसे यहां x का कोएफिशिएंट क्या था, a, तो वो डिवाइड कर रहा था, वही यहां पे डिवाइड करेगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बेसिकली यही है फार्मूला, डायरेक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे करे हुए हैं, तो इसको आगे हम नहीं कर रहे हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में चल रहा है, वहां पे अगेन इन्हीं क्वेश्चन पे हम आएंगे। सो बेसिकली अब हमको डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या, बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लिमिट लगा देते हैं। ये जो कर रहे थे ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी इसमें लिमिट नहीं था। डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होता है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4π³ विद रिस्पेक्ट टू टी लिमिट 2 to 5। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर ये लिमिट नहीं लगा होता तो इंटीग्रेशन सिंपल था, ये कांस्टेंट टर्म 4 बाहर आ गया, π³ पावर एक इंक्रीज कर जाएगा, यानी t^4 और इस पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अब यहां पे जब हमने इंटीग्रेशन ये कंप्लीट कर लिया,
तो जो लेफ्ट साइड में लिमिट लगा हुआ यहाँ इंटीग्रेशन पे, ये जो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इसको यहाँ राइट साइड में लगा देना। देन फर्दर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो फर्दर सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल है टी, उसके प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे। सो बाकी वैसे ही रहेगा, ये 4 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 5 to the power 4, देन माइनस, ये रूल है, पहले अपर लिमिट करेंगे फंक्शन में, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो t के प्लेस पे 5 पुट कर दिया, देन माइनस t के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 to the power 4, तो ये हो गया 5 5 25, फिर आगे करेंगे तो 625 माइनस 16, 2 2 4 2 8 2 16, सो इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस इज 609, दिस इज इंटीग्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन ले ले, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कर रहा है, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 2πt विद रिस्पेक्ट टू टी लिमिट 0 to π/12, ये इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई? तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, माइनस कॉस। अब जो साइन के अंदर है, साइन के अंदर क्या है? 2πt, तो कॉस के अंदर क्या आ गया? 2πt। अब जो वेरिएबल टी, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 2π, तो 2π डिवाइड करेगा, 2π से हमने डिवाइड कर दिया, लिमिट लगा दे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि यहां लिमिट लगा हुआ कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा है। सो 0 to π/12। नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल पुट अपर लिमिट, अपर लिमिट π/12 कहां पे पुट करेंगे? टी के प्लेस पे, जो वेरिएबल है। सो माइनस कॉस, यहां पे 2π है, ये लिमिट 1/12 लगा लीजिए, वैसे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व लॉग टेबल देखना पड़ेगा, ये सिंपल हो गया 1/12, 0 to 1/12, तो ये 1/12 हो जाएगा। तो यहां पे t के जगह पे 1/12 रख दे, तो 2π/12 यानी π/6 अपॉन 2π, ये अपर लिमिट हमने पुट किया। देन माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करें यानी 0, तो यहां पे माइनस ये ऐसे ही रहेगा, कॉस 0 अपॉन 2π माइनस कॉस π/6। π/6 क्या होता है भाई? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, तो ये हो गया माइनस √3 अपॉन 2 तो आ रहा, तो ये 4π हो गया। देन माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 1 अपॉन 2π। सो दिस इज आंसर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कार देखिए, अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसका बड़ा सिंपल यूज होता है फिजिक्स में,
बेसिकली कभी भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इनका एप्लीकेशन अगर कोई डेरिवेशन हम फिजिक्स में कर रहे होंगे या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे इनका एप्लीकेशन आएगा, इसलिए हम लोग इसको सीख रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करके आज हम ये क्लास खत्म कर देते हैं। तो हमारा डिफिनेशन, पिछला जो हमारा क्लास था उसमें डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ पे इस क्लास में इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, उसके बाद हम क्लास छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे उसमें क्या करना। तो थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन 2t माइनस 2 cos t विद रिस्पेक्ट टू t, इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में लिमिट लगा ले जैसे 0 टू पाई, 0 से पाई तक ही हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों सेम, रूल तो सेम लग रहे, बस ये लिमिट की बात आ गई। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करेंगे, इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करेंगे, बीच में साइन आ गया। सो इंटीग्रेशन 4 साइन 2t विद रिस्पेक्ट टू t लिमिट 0 टू पाई, देन माइनस इंटीग्रेशन 2 cos t विद रिस्पेक्ट टू t लिमिट 0 टू पाई, देन अब इसको इंटीग्रेट करें तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, साइन के अंदर 2t तो cos के अंदर 2t, अब t के साथ जो कांस्टेंट टर्म है 2 वो डिवाइड करेगा, ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट इसका लगा दे 0 टू पाई, देन माइनस, अब इसको इस साइड को इसको इंटीग्रेट करें तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन ये तो सिंपल है, कॉस टी का साइन टी लिमिट 0 टू पाई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, यहां से कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, सो माइनस 2 कॉस 2t 0 टू पाई, देन माइनस 2 साइन टी 0 टू पाई इज इक्वल टू, पहले पाई पुट करें तो कॉस 2 पाई, अब कॉस 2 पाई का वैल्यू वही होगा जो कॉस 0 का होगा। बेसिकली देखिए है क्या, आपने 0 टू 90 सीखा हुआ ऑलरेडी क्लास 10th में, या 11th में एक्चुअली 0 टू 360 या 0 टू 720 या उससे भी बड़े एंगल आ सकते हैं, तो उनका साइन कॉस टैन या कोई भी टी फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास है, प्लीज उसको आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, लिंक आप ले लीजिएगा और उसको यूट्यूब पे देखिएगा, वहां से कंप्लीट देखेंगे, सिंपल चीज वो समझ में आ जाएगी। तो कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 2, कॉस 2 पाई 1 होता है, यहां पे पाई हमने पुट किया तो माइनस 2 इंटू 1, देन माइनस, उसके बाद क्या रखेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट रख देंगे भाई, तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो टी की जगह 0 रख दिया, तो कॉस 0, कॉस 0 अगेन 1 होता है, तो माइनस 2 इंटू 1, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2 इंटू 1, ये समझ में आ रहा माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया। देखिए इसको फिर से हम करके दिखा देते, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, वो फॉर्मूले में वैसे है,
फार्मूले में जैसे यहाँ माइनस आ रहा है लिमिट पुट करने में वैसे आ गया। तो पहले अपर लिमिट पर पुट करेंगे तो माइनस टू कॉस टू पाई, ये पुट कर लिया हमने, देन माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अगेन क्या हो गया माइनस टू कॉस जीरो, ये हुआ भाई। अब इधर वाले को करें, ये तो माइनस यहां का, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करें तो टू साइन पाई, देन माइनस अब लोअर लिमिट पुट करें तो टू साइन जीरो, ये हो गया जी, इज इक्वल टू कॉस टू पाई वन होता तो ये माइनस टू, कॉस जीरो वन होता तो माइनस माइनस प्लस टू, देन माइनस इधर देखें साइन पाई, अगेन साइन पाई जीरो होता है तो ये हो गया जीरो, देन माइनस साइन जीरो जीरो होता तो ये जीरो, सो इट इज अगेन द टोटल इंटीग्रेशन इज जीरो। ये टोटल इंटीग्रेशन इसका अगर हमने करा, ये इंटीग्रेशन क्या आ गया जीरो आ गया। तो ये भाई हमारा इंटीग्रेशन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा बच्चों, उस नेक्स्ट क्लास में हम पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंशिएशन का भी कुछ प्रैक्टिस करेगा, इंटीग्रेशन का भी, कहीं से थोड़ी बहुत क्वेश्चंस अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वहां से करिएगा। टफ क्वेश्चंस नहीं करना, क्योंकि बुक में आप जाएंगे तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो मैथ्स के हैं, फिजिक्स में वैसा आता ही नहीं है। तो बेसिकली अगर कहीं कुछ नहीं मिले तो हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसी को आप करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, देन फॉर नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू हार्ड लेबर, ओके, थैंक यू।